हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। सो वेलकम बैक टू बायोलॉजी बाय नेहा, एंड इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अबाउट सेप्रोलेग्निया लाइफ साइकिल। ऑलराइट, सो सेप्रोलेग्निया की लाइफ साइकिल में जाने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेप्रोलेग्निया क्या है। ठीक है, सेप्रोलेग्निया इज अ सेप्रोफिटिक फंगस। सेप्रोलेग्निया क्या है? सेप्रोफिटिक फंगस है जो जनरली किस पे एज अ सेप्रोफाइट ग्रो करती है? एक्वेटिक एनिमल्स पे। ठीक है, ये जो मैंने आपको यहाँ पे फिश की लगाई है फोटोग्राफ्स, उसमें क्या है, सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका क्या कर रही है? ग्रो कर रही है। ठीक है, ये जो फिश के ऊपर हमें व्हाइट व्हाइट और ब्लैक ब्लैक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये क्या है? सेप्रोलेग्निया का माइसीलियम है, जो कि क्या कॉज करता है, सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका एक स्पीसीज है जो क्या करती है, फिशेज में क्या करती है, सालमन डिजीज कॉज करती है। सालमन डिजीज कॉज करती है, ठीक है, सालमन डिजीज ऑफ फिशेज कौन कॉज करता है? सेप्रोलेग्निया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सालमन डिजीज कौन कॉज करता है? सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका सालमन डिजीज ऑफ फिशेज क्या करता है, कॉज करता है। ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है, फिश है, और फिश के ऊपर हमें व्हाइट कॉटनी ग्रोथ दिख रही है, वो क्या है, इस फंगस का माइसीलियम है। अब जब इस फंगस के माइसीलियम को हमने अपनी पेट्री प्लेट्स में, अपनी कल्चर प्लेट्स में डाला, तो हमें ये ग्रो करवाया, तो ये क्या किया, यहाँ पे ग्रो किया। तो इससे हमें ये पता चला कि ये फंगस जो ये फिशेज हैं, फिशेज को जो इन्फेक्शन कॉज कर रही है वो कौन से फंगस है, सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका। ठीक है, तो हम इसकी इसकी जनरल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे सेप्रोलेग्निया की, देन उसका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, कैसे कैसे सेप्रोलेग्निया रिप्रोड्यूस करती है। ठीक है, लेट्स बिगिन। नाउ सी द सिस्टमेटिक पोजीशन। अब हम पढ़ेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन पढ़ेंगे सेप्रोलेग्निया क्या। उससे पहले आप यहाँ पे भी ये फोटोग्राफ देख सकते हैं, ये फिश है और उसके ऊपर ये कॉटनी ग्रोथ दिखाई दे रही है। ठीक है, ये पूरा कॉटनी ग्रोथ क्या है, सेप्रोलेग्निया का माइसीलियम है ये, एंड यहाँ पे भी ये पूरा क्या है, सेप्रोलेग्निया का माइसीलियम है। जो कॉटनी ग्रोथ आपको दिखाई दे रही है, ये क्या करती है, सेप्रोलेग्निया फिशेस में क्या करती है, सालमन डिजीज कॉज करती है। ये दिख रहा है आपको सालमन डिजीज, जिसकी वजह से क्या होती है, ये क्या करेगी, फिर फिश की बॉडी से एब्जॉर्प्शन कॉज करेगी, एज अ सेप्रोफाइट ग्रो कर रही है। ठीक है, एब्जॉर्प्शन करेगी और फिर अल्टीमेटली लास्ट में क्या हो जाएगी, फिश की डेथ हो जाएगी। सो देखते हैं हम इसका सिस्टमेटिक पोजीशन देखते हैं, तो इट बिलोंग्स फ्रॉम द किंगडम माइकोटा, डिविजन यू माइकोटा, सब डिविजन मेस्टिको माइकोटीना, क्लास उमाइसीट्स, ऑर्डर सेप्रोलेग्नियल्स, फैमिली सेप्रोलेग्नियेसी, एंड जीनस सेप्रोलेग्निया। ऑलराइट, द जीनस, अब हम इसके कुछ कैरेक्टर्स पढ़ लेते हैं सेप्रोलेग्निया के। द जीनस सेप्रोलेग्निया इज रिप्रेजेंटेड बाय 30 स्पीसीज। ऑलराइट, किस कितनी स्पीसीज इसकी अभी तक नोन है, अभी तक रिप्रेजेंटेड करती हैं, वो है 30 स्पीसीज। मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज आर एक्वेटिक सेप्रोफाइट्स। ठीक है, मोस्ट ऑफ दी स्पीसीज आर एक्वेटिक सेप्रोफाइट्स, जो मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, एंड फाउंड ऑन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल और द बॉडी ऑफ फ्लोटिंग डेड इंसेक्ट्स, जो क्या करती है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मटीरियल पे या फिर बॉडी ऑफ फ्लोटिंग डेड इंसेक्ट्स पे ग्रो करती है। सम स्पीसीज लाइक सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका एंड सेप्रोलेग्निया फेरेक्स आर पैरासिटिक ऑन फिशेज और ऑन देयर एग्स एंड दे कॉज सालमन डिजीज। मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है सालमन डिजीज, वो इसीलिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, तो सालमन डिजीज कौन कॉज करता है, सेप्रोलेग्निया पैरासिटिका एंड सेप्रोलेग्निया फेरेक्स। ठीक है, ये एज अ पैरासाइट किस पे एक्ट करते हैं, फिशेस पे और उनकी एग्स पे ये क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक, अगर हमको लेबोरेटरी में सेप्रोलेग्निया इजिली ग्रो करवानी है, तो वो इजिली ग्रो हो जाती है बाय, सेप्रोलेग्निया कैन बी ग्रोन इजिली इन द लेबोरेटरी बाय कीपिंग अ डेड फ्लाई इन अ पॉन्ड वाटर और इन अ टेस्ट ट्यूब फॉर फ्यू डेज। ऑलराइट, अगर हमने सेप्रोलेग्निया लैब में ग्रो करवानी है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें एक मक्खी को क्या कर देना है, मार देना है, क्योंकि ये किस पे भी ग्रो कर रही है, डेड इंसेक्ट्स पे भी ग्रो कर जा रही है, फ्लोटिंग डेड इंसेक्ट, दैट मींस उसको वाटर की रिक्वायरमेंट है और कोई डेड इंसेक्ट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर की रिक्वायरमेंट है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर की रिक्वायरमेंट है। तो हम क्या करेंगे, कोई भी फ्लाई हमने ली, उसको हमने मार के क्या कर दिया, टेस्ट ट्यूब में पॉन्ड वाटर लेके उसमें उसको हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो हम फ्यू डेज में, 4 to 5 days में देखेंगे हमें क्या दिखेगा, व्हाइट कॉटनी मास मास दिखाई देगा, तो दैट इज द सेप्रोलेग्निया, वो क्या होगा, सेप्रोलेग्निया फंगस होगी। ठीक है,
नाउ सी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, अब इसका हम देखें सेप्रोलेग्निया का, तो जो माइसीलियम होता है सेप्रोलेग्निया का वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है. ऑलराइट, द माइसीलियम ऑफ सेप्रोलेग्निया इज प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड एंड सीनोसिटिक. माइसीलियम क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, सीनोसिटिक होता है. सीनोसिटिक आप सभी को पता है, जिसने मेरी सबसे पहली वीडियो देखी है उसको ये जो टर्म्स आ रहे हैं यहाँ पे फंगस के वो सारे टर्म्स क्लियर होंगे, क्योंकि मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में सब कुछ बताया हुआ है. ठीक है, जो सेप्रोलेग्निया का माइसीलियम है वो क्या होता है, ब्रांच्ड होता है और सीनोसिटिक होता है. टू टाइप्स ऑफ हाइफी कैन बी रिकॉग्नाइज्ड ड्यूरिंग वेजिटेटिव फेज. इसके वेजिटेटिव फेज पे हमें दो तरीके के हाइफी दिखाई देते हैं, एक होता है इंट्रा मटीरियल और राइजोइडियल हाइफी, सेकेंड है एक्स्ट्रा मटीरियल और एक्सटर्नल हाइफी. राइजोइडियल हाइफी क्या करेगा, राइजोइडियल नाम से ही हमें पता चल रहा है, वो क्या करेगा, दीज हाइफी आर शॉर्ट एंड कैपेबल टू एब्जॉर्ब फूड मटीरियल फ्रॉम द सबस्ट्रेटम और द होस्ट. राइजोइड्स का काम क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का काम होता है. ठीक है, तो राइजोइडियल हाइफी क्या करेगा, वो क्या होता है, शॉर्ट होता है और किसका उसका मेन फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड मटीरियल फ्रॉम द होस्ट. जो एक्सटर्नल हाइफी होता है वो क्या करता है, grow on the surface of the host and spread in all direction of the water, in the water. तो ये क्या करेगा, host की surface पे grow करेगा और पूरी water के direction में क्या हो जाएगा, spread हो जाएगा. They form a visible part of the fungus and develop sex organ during the reproductive phase. और जो visible part, अब जब ये water में सारी direction में spread हो रहा है तो हमें visible होगा, तो एक्सटर्नल हाइफी क्या होता है, जो विजिबल पार्ट हमें फंगस का दिखाई देता है वो क्या होता है, एक्सटर्नल हाइफी होता है. और एक्सटर्नल हाइफी से ही क्या डेवलप होते हैं, सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव फेज. ऑलराइट, और जो एक्सटर्नल हाइफी होता है वो क्या होता है, प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड होगा, सीनोसिटिक होगा, एसेप्टेट होगा. बट सेप्टा उसमें कब डेवलप हो जाएंगे, जब सेक्स ऑर्गन डेवलप होने लगेंगे. ठीक है, जब सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे तो वहां पे क्या, उस हाइफी में क्या डेवलप होने लग जाएंगे, सेप्टा डेवलप होने लग जाएंगे और वहां पे क्या हो जाएगा, सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट हो जाएगा. द थैलस इज यूकार्पिक. थैलस क्या है इसका, यूकार्पिक है. दैट मीन्स यूकार्पिक थैलस का मतलब क्या होता है, जो उसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है उसमें से सिर्फ कुछ पार्ट क्या करेगा, टेक पार्ट करेगा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करने के लिए. ऑलराइट, यूकार्पिक एंड होलोकार्पिक फंगस में डिफरेंस मैंने आप लोगों को बताया है. ठीक है, अब हम देखते हैं रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन कैसे टेक प्लेस करेगा. तो रिप्रोडक्शन के लिए, रिप्रोडक्शन सेप्रोलेग्निया में थ्री तरीके से होता है, थ्री मेथड से होता है, थ्री मोड से होता है, कुछ भी आप बोल लीजिए. वेजिटेटिव मोड्स, एसेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल मोड. वेजिटेटिव मोड जो है वो सबसे कॉमन है, जो कि किससे होता है, फ्रेगमेंटेशन से होता है या फिर क्लेमाइडोस्पोर और हम उसको बोल सकते हैं गैमी फॉर्मेशन से भी होता है. फ्रेगमेंटेशन में आप सभी को पता है कि कुछ बॉडी का पार्ट, माइसीलियम का कुछ पार्ट ब्रेक हुआ और वो क्या करेगा, ऑलराइट. जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा वो किसके थ्रू टेक प्लेस करेगा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और क्लेमाइडोस्पोर के थ्रू. फ्रेगमेंटेशन में क्या होगा, माइसीलियम क्या करेगा, अगर ब्रेक होता है तो उससे क्या होगा, न्यू फंगस की जो प्लांट बॉडी होगी वो क्या होगी, जर्मिनेट हो जाएगी. क्लेमाइडोस्पोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो हाइफी होगा उसमें क्या होंगे, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर्स बन जाएंगे जिनको हम स्पोर बोलते हैं या क्लेमेटोस्पोर बोल सकते हैं. वेजिटेटिवली वो क्या करेंगे, डेवलप होंगे और वो क्या करेंगे, अगर वो प्रेशर की हेल्प से, किसी प्रेशर या इंसेक्ट्स की हेल्प से, अगर वो स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कंपार्टमेंट अगर ब्रेक होगा तो उसमें से क्या होंगे, क्लेमेटोस्पोर क्या होंगे, रिलीज होंगे और वो जब किसी प्रॉपर सबस्ट्रेटम के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो वो क्या करेंगे, जर्मिनेट करेंगे. ठीक है, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में इतना कुछ समझने का नहीं है, इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है. इसमें सिर्फ यही है कि ये सिर्फ फ्रेगमेंटेशन के थ्रू और क्लेमेटोस्पोर के थ्रू टेक प्लेस करेगा. अब हम देखते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, इसको इसलिए अच्छे से समझना. तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसके थ्रू टेक प्लेस करता है, बाय द जूस्पोर. ठीक है, जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा, उसके थ्रू क्या करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा. जूस्पोर विच आर प्रोड्यूस इन जूस्पोरेंजियम. द जूस्पोरेंजियम इज सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्म्ड एट द टिप ऑफ द हाइफी. जूस्पोर किसमें बनेंगे, जूस्पोरेंजियम में बनेंगे.
ठीक है, जूस्पोरेंजियम कहाँ से डेवलप होंगे, ये जो हाइफी है हाइफी की टिप से डेवलप होंगे, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, दिस इज द सोमेटिक हाइफी, ये क्या है, सोमेटिक हाइफी है, अभी इसमें कोई सेप्टा डेवलप नहीं हुआ है, ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ जूस्पोरेंजियम के फॉर्मेशन में या रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में क्या होगा, ये जो हाइफी है सोमेटिक हाइफी की टिप से क्या डेवलप होने लगेगा, ऐसे करके ये इसकी टिप से ये क्या डेवलप होने लगेगा, जूस्पोरेंजियम डेवलप होने लगेगा, और ये जूस्पोरेंजियम कैसा स्ट्रक्चर है, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, दिस इज द सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर फॉर्मड एट द टिप ऑफ द हाइफी, ये क्या करेगा, हाइफी की टिप पे फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, दिस ये क्या है, जूस्पोरेंजियम आपको ये नजर आ रहा है, यहाँ पे लिखा है जूस्पोरेंजियम, अब ये जूस्पोरेंजियम के अंदर क्या बनेगा, जूस्पोरेंजियम किसके तरह एक्ट करेगा, कंपार्टमेंट की तरह एक्ट करेगा, यानी कि ये कंपार्टमेंट है, इसके तरह एक्ट करेगा, और इसके अंदर क्या प्रोड्यूस होंगे, जूस्पोर्स प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, ये जूस्पोरेंजियम, अभी हम देखते हैं फिर नेक्स्ट क्या लिखा है, द टिप ऑफ द हाइफी बिकम स्वेलन, जो हाइफी के टिप होगा जहां से जूस्पोरेंजियम डेवलप होने लगेगा, तो वो क्या होगा, एट द टाइम ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जूस्पोरेंजियम वो हाइफी का टिप क्या हो जाएगा, स्वेलन हो जाएगा, ठीक है, स्वेलअप हो जाएगा, एक्यूमुलेट न्यूमरस न्यूक्लिया, और क्या करेगा, अपने अंदर न्यूमरस न्यूक्लियाई का एक्यूमुलेशन कर लेगा, एंड द साइटोप्लाज्म बिकम डेंस इन दिस रीजन, और उस रीजन का साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, जैसे ये सोमेटिक हाइफी है, एट द टाइम ऑफ जूस्पोरेंजियम फॉर्मेशन यहाँ पे क्या होगा, बहुत सारे मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, और इसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डेंस हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हो ना आप लोग मेरी बात, इसका साइटोप्लाज्म क्या हो जाएगा, डेंस होगा, और यहाँ पे क्या होगा, एक सेप्टा डेवलप हो जाएगा, जो क्या करेगा, जूस्पोरेंजियम को रिमेनिंग हाइफल पार्ट से क्या करेगा, सेपरेट कर देगा, ठीक है, सेप्टा डेवलप हो गया, तो इसका मतलब सेप्टा के ऊपर वाला पार्ट क्या हो गया, हमारा जूस्पोरेंजियम है, जहां पे क्या है, न्यूमरस न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, और वहां पे का साइटोप्लाज्म क्या है, वेरी डेंस है, ठीक है, दिस मल्टी न्यूक्लियेट प्रोटोप्लास्ट ऑफ द स्पोरेंजियम इज क्लीव्ड इनटू यूनी न्यूक्लियेटेड पोर्शंस, अब जो मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर हमारे पास था, मल्टी न्यूक्लियेट प्रोटोप्लास्ट था, उस वो क्या होगा, यूनी न्यूक्लियेटेड पोर्शन में डिवाइडेड हो जाएगा, सी ये, अब ये क्या है, ये यूनी न्यूक्लियेटेड पोर्शन में डिवाइड होगी, ये अलग न्यूक्लियस बनाएगा यहाँ पे, ये अलग कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है, ये अलग कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है, तो ये क्या है, यूनी न्यूक्लियेटेड पोर्शन है, ठीक ठीक है, ये क्या है, अलग अलग कंपार्टमेंट में यहाँ पे क्या होगा, डिवाइड होगा, और ये क्या बनाएगा, हमारा यूनी न्यूक्लियेटेड पोर्शन बन जाएगा, यूनिन ईच यूनी न्यूक्लियेटेड पोर्शन डिफ्रेंशिएट इंटू अ बाई फ्लेजिलेट प्राइमरी जूस्पोर, अब फिर हर एक यूनी न्यूक्लियेटेड पोर्शन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये जो ये एक यूनी न्यूक्लियेटेड पोर्शन है ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, बायफ्लेजिलेट जूस्पोर्स में, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी जूस्पोर, पहले बने हैं फर्स्ट, सबसे पहले जूस्पोरेंजियम से निकल के बने, तो इनको बोलेंगे हम प्राइमरी जूस्पोर, बायफ्लेजिलेट प्राइमरी जूस्पोर्स, ठीक है, अब ये क्या करेंगे, दे स्विम फॉर सम टाइम एंड देन कम टू रेस्ट, ये कुछ टाइम तक स्विम करेंगे, फिर रेस्ट की पोजीशन में आएंगे, रेस्ट करेंगे जब तो अपना फ्लैजिला क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे रेस्ट की पोजीशन में, यानी कि उनको फ्लैजिला की मूवमेंट की जरूरत नहीं है, और तो मूवमेंट की जरूरत नहीं है तो फ्लैजिला की जरूरत नहीं है, तो ये क्या करेंगे, अपना फ्लैजिला रिमूव कर लेंगे, और अपने चारों ओर से क्या बना लेते हैं, एक सिस्ट बना लेते हैं, एनसिस्टेड थिक कवरिंग, थिक सिक्रीशन बना लेते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी सिस्ट, इसको क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी सिस्ट बोलेंगे, ऑलराइट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, दे स्विम फॉर सम टाइम देन कम टू रेस्ट, विद्रॉ देयर फ्लैजिला एंड सिक्रीट अ थिक प्राइमरी वॉल, जिसको हम बोलेंगे प्राइमरी सिस्ट, ऑलराइट, इसको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी सिस्ट, अब फेवरेबल कंडीशन आने के टाइम पे ये क्या होगा, सिस्ट से क्या होगा, जूस्पोर हमारा दोबारा से जर्मिनेट होगा, ठीक है, फेवरेबल कंडीशन आएंगी और किडनी शेप्ड बायफ्लैजिलेट जूस्पोर क्या होगा, डेवलप होगा, और वो क्या बनाएगा, सेकेंडरी जूस्पोर, इसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी जूस्पोर, अभी सेकेंडरी जूस्पोर क्या करेगा, कुछ टाइम के लिए स्विम करेगा, एक्टिवली स्विम करेगा, ठीक है, और क्या करेगा, स्विम करने के बाद क्या करेगा, दे स्विम फॉर सम टाइम एंड देन जर्मिनेट प्रोड्यूसिंग अ न्यू माइसीलियम, स्विम करने के बाद क्या करेगा, ये न्यू माइसीलियम में जर्मिनेशन करेगा, ठीक है, सिंपल यही है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, आपको ये पॉइंट याद रखना है, ये लास्ट वाला पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, ये कंप्लीट दिस, द फिनोमिनन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टू टाइप ऑफ जूस्पोर, ठीक है, दो टाइप के जूस्पोर बनने के फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, डाइप्लैनेटिज्म,
ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, डायप्लैनेटिज्म बोलते हैं, एंड दीज जू स्पोर आर कॉल्ड डायप्लैनेटिक। दो टाइप के जू स्पोर बन रहे हैं, प्राइमरी जू स्पोर बन रहा है एंड देन सेकेंडरी जू स्पोर बन रहा है। सो इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, डायप्लैनेटिज्म। और जो ये दो जू स्पोर बन रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी जू स्पोर जो बन रहे हैं, उनको हम बोलते हैं डायप्लैनेटिक। ऑलराइट, डायप्लैनेटिज्म किस में दिखाई देता है? तो हम बोलेंगे डायप्लैनेटिज्म इज सोन इन सेप्रोलेग्निया लाइफ साइकिल। सेप्रोलेग्निया में हमें डायप्लैनेटिज्म देखने को मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेक्सुअल साइकिल। नाउ सी, अब हम पढ़ेंगे सेक्सुअल साइकिल में जंप करने से पहले पहले हमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और पढ़ना है, जो है प्रोलिफरेशन ऑफ ज़ूस्पोरेंजियम। ऑलराइट, हमें सेप्रोलेग्निया की लाइफ साइकिल में एक और करेक्टरिस्टिक फीचर देखने को मिलता है, जो कि सेप्रोलेग्निया का करेक्टरिस्टिक फीचर है, दैट इज प्रोलिफरेशन ऑफ ज़ूस्पोरेंजियम। प्रोलिफरेशन ऑफ ज़ूस्पोरेंजियम का मतलब क्या होता है कि जो ज़ूस्पोरेंजियम है वो क्या करता है, प्रोलिफरेट करता है। दैट मीन्स, अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं पहले, फिर हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेप्रोलेग्निया इज द प्रोलिफरेशन ऑफ ज़ूस्पोरेंजियम। फॉलोइंग द डिस्चार्ज ऑफ द ज़ूस्पोर फ्रॉम द ज़ूस्पोरेंजियम, ग्रोथ इज रिन्यूड फ्रॉम द सेप्टम एट द बेस ऑफ द स्पोरेंजियम एंड अ न्यू एपेक्स इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओल्ड ज़ूस्पोरेंजियम। दिस एपेक्स डेवलप्स इनटू अ न्यू ज़ूस्पोरेंजियम इनसाइड द ओल्ड वन। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा, जो हमारी हाइफी थी, ठीक है, जो हमारी वेजिटेटिव हाइफी थी, उसमें से क्या कर बन रहा था, पहले हमें ज़ूस्पोरेंजियम बन रहा था। हमारा जो प्राइमरी ज़ूस्पोरेंजियम बन रहा था वो हमें पता है कैसे बन रहा था, उसमें साइटोप्लाज्म एक्यूमुलेट हो रहा था, न्यूमरस न्यूक्लियर एक्यूमुलेट हो रही थी, और वो क्या हो रही थी, उसकी टिप क्या हो जा रही थी, स्वेलन हो जा रही थी। तो हमारा ज़ूस्पोरेंजियम डेवलप हो रहा था, और फिर उसमें क्या डेवलप हो जाता था, सेप्टम डेवलप हो जा रहा था। तो वो था हमारा प्राइमरी ज़ूस्पोरेंजियम। जब हमारा ज़ूस्पोरेंजियम बन रहा था वो हमारी इस तरीके से बन रहा था। अब नेक्स्ट, उसमें से ज़ूस्पोर रिलीज हो गए, ठीक हो गया। अब जब नेक्स्ट साइकिल में जब ज़ूस्पोरेंजियम बनेगा, वो ज़ूस्पोरेंजियम किसके अंदर बनेगा, जो पहले से ज़ूस्पोरेंजियम बना हुआ था, ये वाला ज़ूस्पोरेंजियम जो ऑलरेडी बना हुआ था, उसी के बेस से हमें क्या बनेगा, न्यू ज़ूस्पोरेंजियम बनता हुआ दिखाई देगा। ये यहाँ पे हमें दिख रहा है, ये क्या है, बाहर वाला ओल्ड ज़ूस्पोरेंजियम है, ठीक है, ये क्या है, ओल्ड ज़ूस्पोरेंजियम है, और उसी के अंदर से, उसी के बेस से हमें न्यू सेकेंडरी ज़ूस्पोरेंजियम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोलिफरेशन ऑफ ज़ूस्पोरेंजियम। दैट मीन्स, एक बार ज़ूस्पोरेंजियम बना, उसमें से ज़ूस्पोर्स डिस्चार्ज हुए, नेक्स्ट साइकिल में उसी एम्प्टी ओल्ड ज़ूस्पोरेंजियम के बेस से हमें क्या देखने को मिलेगा, सेकेंडरी ज़ूस्पोरेंजियम का डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, और सेकेंडरी ज़ूस्पोरेंजियम क्या होगा, डेवलप होगा। ठीक है, द ज़ूस्पोर ऑफ द न्यू ज़ूस्पोरेंजियम आर डिस्चार्ज थ्रू द पोर इन द ओल्ड ज़ूस्पोरेंजियम। और जो ओल्ड ज़ूस्पोरेंजियम में पोर प्रेजेंट था, उसी की हेल्प से क्या होगा, सेकेंडरी ज़ूस्पोरेंजियम के ज़ूस्पोर्स भी क्या होंगे, डिस्चार्ज हो जाएंगे। ठीक है, ये करेक्टरिस्टिक फीचर है सेप्रोलेग्निया का, कि प्रोलिफरेशन ऑफ ज़ूस्पोरेंजियम हमें कहाँ देखने को मिलता है। सो प्रोलिफरेशन ऑफ ज़ूस्पोरेंजियम इज सीन इन सेप्रोलेग्निया लाइफ साइकिल। ऑलराइट, अब हम देखते हैं इसकी सेक्सुअल साइकिल। सेक्सुअल साइकिल क्या होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमेशा कब टेक प्लेस करेगा, अनफेवरेबल कंडीशन में टेक प्लेस करेगा, एंड इट इज ओगैमस टाइप। ओगैमस टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मींस, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ओगैमस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ओगोनियम, दैट इज ओगोनियम, वो क्या होता है, ओवल होता है, और क्या करता है, अपनी पोजिशन पे क्या रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, वो मूवमेंट नहीं शो करता है। ठीक है, और उसके अंदर क्या दिख रहे हैं हमें, ये क्या है, हमारा ओगोनियम है। ठीक है, ये जो ग्लोब्यूल्स स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, ये क्या है, ओगोनियम है। यहाँ पे भी आपको ये दिख रहा है, ये क्या है, ओगोनियम है, और इसके अंदर हमें डिफरेंट नंबर ऑफ एग्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक एग, दो, तीन, चार, पाँच, छः। अब इनमें से जो ये डिफरेंट हमें जो एग ओस्पोर दिखाई दे रहे हैं, एग दिखाई दे रहे हैं, ये क्या होंगे, इनमें से सिर्फ एक ही क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, डीजेनरेट हो जाएंगे। ठीक है, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फिर उसके बगल पे, उसके बगल वाली हाइफी से क्या डेवलप होंगे, एंथ्रीडिया डेवलप होंगे। ठीक है, एंथ्रीडिया आर डेवलप ऑन दी स्पोरेंजियोफोर। ये यहाँ पे मैंने हाईलाइट किया हुआ है, द हाइफी विच बियर एंथ्रीडिया आर नोन एज स्पोरेंजियोफोर।
हाइफी किस में डेवलप होंगे? स्पोरेंजियो फोर में डेवलप होंगे, हाइफी और सॉरी नॉट हाइफी, जो एंथ्रीडिया है उसमें से क्या निकलेंगे? स्पर्म्स निकलेंगे, और वो क्या करेंगे? ऊगोनियम के एग को क्या करेंगे? फर्टिलाइज करेंगे, ठीक है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन हुआ, अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। फर्टिलाइजेशन हुआ, फिर क्या हुआ? जाइगोट का जर्मिनेशन हुआ, जाइगोट का डेवलपमेंट हुआ, जाइगोट जर्मिनेट किया, सोमेटिक हाइफी में का फॉर्मेशन करेगा, फिर सोमेटिक हाइफी से क्या बनेगा? आइदर वेजिटेटिवली, आइदर एसेक्सुअली, या फिर सेक्सुअली रिप्रोडक्शन टेक प्लेस करेगा। फर्टिलाइजेशन, अब डेवलपमेंट तो हमने देख लिया कि उगोनिया बना और एंथ्रीडिया बना। अब जब फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन किसके थ्रू होगा? फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू होगा। बाय फर्टिलाइजेशन ट्यूब ओनली वन मेल न्यूक्लियस फ्यूज दी एग। फर्टिलाइजेशन ओगैमस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन में किसके थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है? फर्टिलाइजेशन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है? फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनेगी जिसके थ्रू क्या होगा, मेल न्यूक्लियस किसके अंदर एंटर करेगा? फीमेल उगोनियम के अंदर एंटर करेगा और क्या करेगा? एग के साथ फ्यूजन करेगा। आफ्टर फ्यूजन जाइगोट क्या बना लेगा? अपने चारों ओर जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, डिप्लॉइड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, और वो क्या कर लेगा? अपने चारों एक थिक कवरिंग बना लेगा। ये जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ और उसने क्या बना लिया? अपने चारों ओर से एक थिक कवरिंग बना ली, ये एक्सोस्पोर और एंडोस्पोर, ठीक है? एक्सोस्पोर मतलब बाहर की एक्सटर्नल लेयर ऑफ स्पोर, एंडोस्पोर मीन्स इंटरनल लेयर ऑफ द स्पोर। फिर क्या होगा? ऊस्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा। अंडागो ऊस्पोर क्या करेगा? कुछ टाइम के लिए रेस्टिंग पीरियड में जाएगा, जब फेवरेबल कंडीशंस का रिटर्न होगा तो ऊस्पोर क्या करेगा? जर्मिनेट होगा। ये क्या हो रहा है? ऊस्पोर क्या हो रहा है? जर्मिनेट हो रहा है और जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन कर रहा है, और जिसके अंदर डिप्लॉयड न्यूक्लियस था, ठीक है, जाइगोट का जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस था वो क्या करेगा? उसमें मियोसिस की प्रोसेस चलेगी और वो क्या होगा? कंटिन्यूसली डिवाइडेड होगा। डिवाइड होने के बाद क्या करेगा? एक बार मियोसिस की प्रोसेस चलेगी, फिर उसके बाद क्या होगा? सेवरल माइटोटिक प्रोसेस चलेंगी। माइटोटिक प्रोसेस चलने के बाद उसमें क्या होगा? मल्टी न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर बन गया, ये ज़ूस्पोरेंजियम का फॉर्मेशन हुआ, और ज़ूस्पोरेंजियम के फॉर्मेशन के बाद उसमें से क्या निकलेंगे? बायोफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स निकलेंगे। बायोफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर क्या करेंगे? फिर कुछ टाइम तक वाटर में स्विम करेंगे, जब उनको फेवरेबल कंडीशन मिलेगी या फिर उनको प्रॉपर होस्ट मिल जाएगा तो वो क्या हो जाएंगे? फ्लैजिला अपना रिमूव कर देंगे, कुछ टाइम के लिए रेस्ट करेंगे, और फिर क्या करेंगे? जर्म ट्यूब का जर्मिनेशन करेंगे, और फिर क्या करेंगे? अपना माइक्सीलियम को क्या कराएंगे? ग्रो करवाएंगे, ठीक है? ये था हमारा क्या? जर्मिनेशन ऑफ ऊस्पोर। ये सिंपल है, ये स्टेप सबकी लाइफ में क्या होंगे? सेम होंगे, बच कुछ कुछ स्टेप्स जो होंगे वो डिफरेंट होंगे, जैसे कि वो मैंने इसमें आपको बता दिया है इसमें क्या क्या चीज हमें डिफरेंट देखने को मिलती है। डायप्लैनेटिज्म हमें इसमें देखने को मिलता है, प्रोलिफरेशन ऑफ ज़ूस्पोरेंजियम हमें इसमें देखने को मिलता है, बाकी सारे स्टेप्स क्या होंगे? सेम होंगे। ऑलराइट, सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो से कुछ गेन करके गए हैं तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड कमेंट करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन दबाइए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।